प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गैलेंट इस्पात लिमिटेड के 510 करोड़ के निवेश से स्टील प्लांट के विस्तारीकरण का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री भ्रमण कर वहां के कार्यों को देखा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में फैक्ट्री प्रबंध को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास का माहौल तैयार ये सरकार कर रही है और इसकी ये प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकास एवं सुशासन का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के दक्षिणांचल में 1200 करोड़ की लागत से बायोफ्यूल प्लांट लगाया जाएगा। इससे किसानों को अपने फसल के अवशेष जलाने नहीं पड़ेंगे बल्कि उनकी आय दोगुनी होगी। आगामी दिसंबर माह में दूसरा इन्वेस्टर समिति का आयोजन होगा जिसमें अधिक से अधिक निवेश होगा। उन्होंने कहा कि उद्योग संचालित होने से लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा 2020 तक फर्टिलाइजर संचालित हो जाएगा जिससे इस क्षेत्र के किसानों को खाद और रोजगार मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि 2019 में एम्स का ओपीडी आरंभ हो जाएगा तथा 2022 में एम्स पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इस अवसर पर गैलेंट इस्पात के सीपी अग्रवाल ने सभी का स्वागत करते हुए गैलेंट इस्पात के बारे में जानकारी दी।